अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में समीकरण और चिन्ह सम्मिलित करने के चरण लिखिए। क्या लिखा है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नीचे लिखा है राइट द स्टेप ऑफ इंसर्टिंग इक्वेशन। अरे हम समझ गए, एंड सिंबल। तो हमारी ये दिमाग की बत्ती है वो जल जाना चाहिए, क्योंकि वहां हम कंफ्यूज हो रहे थे। समीकरण तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, लेकिन वो था इक्वेशन फॉर्मूला, राइट। तो हम कह सकते हैं यस, हम परिभाषित चरण सब कुछ लिख देंगे। क्या सबसे पहले हम समझाते हैं इक्वेशन होता क्या है। तो हम हेडिंग डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी हम दस्तावेज तैयार करते हैं, तो तैयार करते समय कई बार हमें मैथ जैसे टॉपिक लिखने के लिए वाद किया जाता है, या मैथ का पेपर बनाने के लिए मजबूर किया जाता है या बनाना होता है, तो उस समय मैथ के विभिन्न प्रकार की सिंबॉलिक जो सिंबल होते हैं या बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उनको लिखना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो उस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन नाम का एक टूल्स अवेलेबल कराया है, जिसकी मदद से हम विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शन फार्मूले समीकरण लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो पहले फॉलो करते हैं, तो नंबर एक, उस डॉक्यूमेंट दस्तावेज को ओपन करते हैं जिस डॉक्यूमेंट दस्तावेज में हमें समीकरण को जोड़ना है। इसके बाद हम कहां जाते हैं? इंसर्ट। कहां जाते हैं? इंसर्ट टैब पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का व्यू डिस्प्ले होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भैया यहां पर लास्ट में दिया हुआ है सिंबल्स वाले भाग में दिया हुआ है इक्वेशन। जैसे इक्वेशन पर क्लिक करते हैं तो विभिन्न प्रकार के समीकरणों की, अब उसी की भाषा में हम जवाब दे देंगे, विभिन्न समीकरणों की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है जो पहले से प्रीसेट्स के रूप में दिए रहते हैं। उनमें से किसी एक समीकरण को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारे डॉक्यूमेंट में वह समीकरण इंसर्ट हो जाता है, और इच्छा अनुसार टेक्स्ट के स्थान पर हम अपना टेक्स्ट या अंक नंबर अक्षर को बदलकर हम समीकरण को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम समीकरण को जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से सिंबल, जब डॉक्यूमेंट्स के अंदर विभिन्न प्रकार के सिंबल्स की आवश्यकता या चिन्ह की आवश्यकता होती है, तो हम डॉक्यूमेंट में सिंबल या चिन्ह को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके रखते हैं जिसके अंदर हमें सिंबल्स की आवश्यकता होती है, इसके बाद इंसर्ट पर जाते हैं, इंसर्ट से सिंबल्स वाले भाग से सिंबल्स पर क्लिक करते हैं। सिंबल्स पर क्लिक करते ही जो हमारे द्वारा रिसेंट सिंबल्स चुने गए उनकी लिस्ट होती है, तो यहां से क्या कर दोगे, इंसर्ट सिंबल्स जो तुम्हारे द्वारा रिसेंट और नहीं तो इसके अलावा हम मोर सिंबल पर जैसे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो सिंबल्स की लिस्ट डिस्प्ले होती है, उन सिंबल में से किसी एक सिंबल का चयन करके हम बने बटन इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, और साथ ही साथ यहां से हम ऑटो करेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट या शॉर्टकट की बना के भी सिंबल को ला सकते हैं। इस तरीके से हम सिंबल को परिभाषित करना समझा सकते हैं भैया।